नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो अलग अलग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल है, तो उनके ऊपर जो है वो सुनवाई दिसंबर महीने में होने वाली थी, पर यहाँ पर जो है दोस्तों जनवरी 2020 में उसे जो है वो अगली सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। साथ में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अलग अलग हाई कोर्ट में जो केसेस दाखिल थे, तो उनको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पर ट्रांसफर किए गए है। ट्रांसफर करने के बाद उनके ऊपर अगली सुनवाई कब होने वाली है, तो इसके बारे में जो डिटेल अपडेट है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसके बारे में आप सभी पेंशन धारकों को पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो अलग अलग राइट पिटीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर की गई है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगली सुनवाई कब होने वाली है, तो इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो अलग अलग केसेस पहले से सुप्रीम कोर्ट में दायर है, तो उनके ऊपर अगली सुनवाई कब होने वाली है, तो उसके बारे में भी अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ईपीएस 95 केसेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज ऑन 29th of December 2019, यहाँ पर जो सबसे पहली जो केस है वो यहाँ पर लिस्ट की गई है, जिसकी सुनवाई 6 जनवरी 2020 को होने वाली है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 6 जनवरी 2020 को कुल 3 केसेस ट्रांसफर हुए हैं, तो उनके ऊपर जो है वो यहाँ पर अगली सुनवाई हो सकती है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि चेयरमैन IOCL वर्सेस कृष्ण नंदा पाल एंड ORSS कोलकाता हाई कोर्ट, देन उसके बाद चेयरमैन IOCL वर्सेस SKMD IR एंड ORS कोलकाता हाई कोर्ट, उसके बाद यहाँ पर चेयरमैन IOCL वर्सेस मदन मोहन गोराई एंड ORS कोलकाता हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो है वो इन सभी के जो राइट पिटीशन नंबर है जिससे ट्रांसफर किया गया है, तो वो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली ऐसे है 2985/2019, उसके बाद 2986/2019, उसके बाद 2990/2019। तो इन सारी राइट पिटीशन पर जो अगली सुनवाई है तो वो सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी 2020 को होने वाली है। तो अगली यहाँ पर जो केस लिस्ट की गई वो है चेयरमैन IOCL वर्सेस रविंद्र एन भौमिक एंड ORS, इसे जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। इसका जो राइट पिटीशन नंबर है 2974/2019, और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 17 जनवरी 2020 को होने वाली है। साथ में यहाँ पर 2978 जो राइट पिटीशन नंबर है, तो उसकी सुनवाई भी जो है वो 17 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो अलग अलग केसेस है, जैसे बेल रिटायरी, सुप्रीम कोर्ट बार, एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, अनएग्जम्प्टेड के जो पेंशनर्स है, तो उनकी यहाँ पर जो केस है तो वो भी यहाँ पर दी गई है, जिसकी सुनवाई जो है वो 16 जनवरी 2020 को यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर जो अलग अलग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, HPTDC पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद C. इंजीनियर्स एसोसिएशन, C. टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन, उसके बाद सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड, उसके बाद HPTDC एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस सुनील भारतवाल एंड ORS कंटेम्पटेशन पोस्ट 1st of September 2014 रिटायर्ड इज 1917-1918 of 2018। तो इन सारे केसेस पर जो है दोस्तों यहाँ पर 16 जनवरी 2020 को जो है वो सुनवाई हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो अगली लिस्ट है, तो उसमें भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो केसेस दाखिल किए गए हैं, तो इनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 16 जनवरी 2020 को फाइनल डिस्पोजल आ सकता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से उनकी जो केसेस दाखिल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो उसके ऊपर सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनको जो है वो उनकी हायर पेंशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है वो आ जाए,
और उनको जो है वो हायर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाए। साथ में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो अलग अलग राइट पिटीशन दाखिल किए गए हैं, तो इसके ऊपर भी अगर फैसला हो जाता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लंबी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगली आने वाली सुनवाई के संदर्भ में जो अपडेट था, तो उसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में डिटेल जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने वाली सुनवाई के बारे में जान सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।